तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है, मिलती है कि नहीं मिलती है। तो फाइनली यहाँ पे तो है स्टॉक। और फ्रेंड्स ये है दुर्गा बेकरी। हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर, वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नुपुर। तो फ्रेंड्स आज है सेकेंड संडे ऑफ मे और आज के दिन क्या होता है आप लोग को पता है, नहीं पता है तो आप कमेंट से बताओ और हम बताएंगे नहीं अभी। और फ्रेंड्स आज संडे है तो संडे वाले दिन आज हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, बाकी दो दिन बिजी रह जाता है। और अभी फ्रेंड्स मॉर्निंग का 11:30 बज रहा है और अभी हम बस यहाँ के आए और हम बैठे चाय पी रहे थे, बाकी सब घर में सब चाय पी चुके हैं, हम ही रह गए थे तो हम चाय पी रहे हैं। और देखते अब दिन की शुरुआत हुई है चाय से, देखिए क्या क्या होता है आगे और जो होगा हम आपके साथ शेयर करेंगी। 2000 years later. फ्रेंड्स अभी आप देखा कि हम सुबह की चाय पी रहे थे और फ्रेंड्स अब जो है वो शाम हो चुकी है और शाम के 7:15 तो हो रहा है, 7:15 हो रहा है। और फ्रेंड्स हम दिन में कुछ नहीं दिखाया क्योंकि दिन में आज थोड़ा सा काम वर्क करते रहे, संडे था थोड़ा सा रेस्ट किया। लेकिन फ्रेंड्स आज है सेकेंड संडे ऑफ मे, इट मीन्स आज है मदर्स डे। मदर्स के लिए यार कह सकते हैं एक स्पेशल डे होता है, मतलब माँ के लिए यार सब दिन बराबर है, उनके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कोई हमें इसके दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही बात है कि अगर कुछ एक दिन बना है तो उसमें हम उस चीज़ का लाभ उठाएं, अपनी माँ को विश करें और कह सकते हैं उनको अपनी फीलिंग्स जाहिर करें आज के दिन, तो एक अच्छा लगता है यार। तो वही उसी लिए हम आज हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है और कुछ हम एक्स्ट्रा ऑर्डर ही कर सकते हैं मम्मी के लिए। और मम्मी को कुछ भी आइडिया नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं और मुझे भी कोई आइडिया नहीं हम क्या लेने जा रहे हैं वहाँ पे, बस देखते हैं मार्केट में निकलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मार्केट और देखते हैं कुछ क्या मिलता है। अभी हम आए हैं घंटाघर के पास बनी दुर्गा बेकरी में और यहाँ से हम लेने वाले हैं पेस्ट्री, देखते हैं मिलती नहीं मिलती क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है। और हम लोग अभी बहुत से शॉप पे घूम के आ रहे हैं, वहाँ पे हर जगह कहीं भी नहीं मिली, सब जगह ख़त्म हो चुकी थी भी क्योंकि मदर्स डे है तो हर कोई लेके जा रहा है अपने घर के लिए। तो हम भी यहाँ पे दो तीन दुकानें टहलने के बाद अब यहाँ पे आए हैं दुर्गा बेकरी में, तो देखते हैं यहाँ पे पेस्ट्री वगैरह जो है वो मिलती है कि नहीं मिलती है और फिर आपको मिलते हैं सीधे घर पे अगर मिल गई तो, वन अदरवाइज़ मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है, अगर पेस्ट्री वगैरह नहीं मिलती है तो हम फिर मम्मी के लिए मोमोज़ वगैरह लेंगे, उसी सेलिब्रेट करेंगे मीठा ना सही तो कुछ चटपटा ही सही। तो सामने आप देख सकते हो फ्रेंड्स घंटाघर है और इधर बनी है दुर्गा बेकरी और इधर ये जो है लकड़ी मंडी वाली रोड है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है, मिलती है कि नहीं मिलती है। तो फाइनली यहाँ पे तो है स्टॉक और ये है दुर्गा बेकरी। तो फ्रेंड्स हम दुर्गा बेकरी मौजूद हैं और अभी हमको हमारी पेस्ट्री वगैरह जो है वो मिल चुकी है, तो अब सीधे घर पे चलते हैं और करते हैं सेलिब्रेशन मदर्स डे का। और देखिए मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है क्योंकि मम्मी को भी कुछ भी आइडिया नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। तो फाइनली मिल चुकी है और चलिए कुछ ना सही तो कुछ तो मिला। तो गाइस हम लोग फाइनली मिल चुका है हमारी मम्मी के लिए पेस्ट्री, अब काटेंगे घर पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और हम लोग दो तीन दुकानों पर गए, वहाँ पे हमको केक या पेस्ट्री वगैरह नहीं मिली जो भी पूछ रहे थे,
और क्योंकि हर जगह सारा स्टॉक जो था ख़त्म हो चुका था, क्योंकि आज जो है मदर्स डे तो हर जगह भाई भीड़ थी हर शॉप पे। तो फाइनली दुर्गा बेकरी में हमको पेस्ट्री मिली। तो फ्रेंड्स अब मम्मी के साथ हम इस पेस्ट्री को थोड़ी सी गल रही है क्योंकि गर्मी बहुत है तो पेस्ट्री की हालत ख़राब हो रखी है। तो अभी मम्मी के साथ इसको कट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी गल रही है, तो खाली चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, नाइफ का तो नहीं। तो मम्मी हैप्पी मदर्स डे, काटो का खाओ। हैप्पी मदर्स डे। तो फ्रेंड्स मदर्स डे कोई मदर्स के लिए कोई स्पेशल डे नहीं बना, मदर्स के लिए तो सारे ही डे एक ही होते हैं, लेकिन कह सकते हैं मदर्स डे वाले दिन हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि बाकी दिन नहीं कह पाते, एक यही दिन होता है जिसमें हम कह सकते हैं। तो मम्मी जो है भैया को दे रही हैं, पापा को दे रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है, हम लोग जो है पेस्ट्री जो है खा रहे हैं, तो मम्मी भी खुश है। जिसको खाना है आगे दो भाई, मम्मी मेरी ऑडियंस को खिला रही है। नाराज ना हुआ करो, खुश रहो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स सुबह का दिन तो नहीं अच्छा रहा, लेकिन हमारी शाम बहुत अच्छी रही, हम लोग ने मम्मी के साथ पेस्ट्री काटी। तो फ्रेंड्स आप हम जा रहे हैं खाना खाने, बस ऐसे खाना ले लिया बस। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये आज का व्लॉग मुझे कमेंट से ज़रूर से बताइएगा, और आप लोग अपनी मदर को मम्मी लोग को विश करिए, उनको हक करिए प्यार सा, और हैप्पी मदर्स डे बोलिए। और उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हो तो अपनी लोकेशन जरूर से मेंशन करा करिए फ्रेंड्स। और चलिए इस ब्लॉग को हम यही पेंड करते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके चैनल को भी सपोर्ट करो। चलिए इस ब्लॉग को हम यही पेंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे जितने भी मम्मियाँ लोग हैं अगर पसंद करती हैं ब्लॉग अनुभव का, तो आप लोग सभी को हैप्पी मदर्स डे।